जय जगत। लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी का नमस्कार। अपने उद्गम स्थल गोमुख में निर्मल बहती गंगा जी, आज से गंगा जल पीना शुरू कर रहा हूँ। इसे मैं कई साल पहले लाया था वहाँ हरिद्वार के ऊपर जाके देवप्रयाग से, बल्कि गया तो मैं गंगोत्री और गोमुख तक था और सब जगह से जल लाया है मैं। यह है हमारे गोमुख के सफर की एक झलक और ये हम वहाँ गोमुख की गुफा के सामने हैं। हमें वहाँ दो गुफाएं दिखी, एक से जल निकल रहा था और दूसरे से नहीं निकल रहा था। और ये देखिए कितना निर्मल जल निकल रहा है, जबकि पूरा बर्फ से ढकी हुई है उसका मुंह। और ये गंगा जी आगे बढ़ती हुई, और ये हम हैं गंगोत्री में। गंगोत्री में वहाँ स्नान करके वहाँ एक मंदिर है और वहाँ से जल भी लेते हैं, तो हम परिवार के साथ गए थे। और फिर वहाँ स्वामी सुंदरानंद हैं जो बहुत सालों से रह रहे हैं, उनसे मुलाकात की। और ये वो जगह है जहाँ से गंगा जी नीचे आती हैं, धरती पर आती हैं और इस तरह से वहाँ कुंड में गिरती हैं ताकि धरती न फटे। और ये मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग में, जहाँ पर गंगा जो है उसको औपचारिक रूप से फिर गंगा बन जाती है। और ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश में देखें कितना निर्मल जल बह रहा है। जब हालांकि यहाँ से नगरीकरण शुरू हो जाता है, आबादी और बड़े बड़े मठ मंदिर। और अब हम ये बनारस के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, सूर्योदय वहाँ का बहुत मशहूर है। मैं बनारस गया था एक बार, उस समय का है। और वहाँ देखिए बनारस में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और नावों पर चढ़ के जाते हैं कुछ लोग उस पार रेत की तरफ स्नान करने के लिए। और ख़ास बात यह है कि देखिए ये जल वैसा अभी तक शुद्ध है। और गंगा जल के बारे में तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये खराब नहीं होता, इसमें बदबू नहीं आती और दूसरे इसमें बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है। इसमें बैक्टीरियोफाज का करके एक सिस्टम होता है, तो जो बैक्टीरियोफाज हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बड़े पैमाने पे स्नान वगैरह करते हैं संगम में या और जगह, उस समय तो उस समय जो गंदगी आती है तो वो बड़े पैमाने पर जितनी ज़रूरत होती है, समझ लीजिए कि उतने योद्धा आके बैक्टीरियोफाज के, और उसको जो बैक्टीरिया या गंदगी होती है उसको मार के शुद्ध कर देते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कि गंगा जल कई रोगों की औषधि है, खास करके पेट की। तो आज से शुरू कर रहा हूँ, जय गंगा माँ। आजकल गंगा जी पहले की तुलना में साफ हो गई। ये इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट का चित्र है और देखिए वहां गंगा जी पहले से साफ हैं। सीवर का पानी तो अभी भी जा रहा है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुगर है, शराब है और मिलें भी चालू हो गई हैं, लेकिन जब तक वो सारी गंदगी पहुँचे आपके आसपास गंगा जी में, भर के रख लीजिए गंगा जल और पीजिए, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। नमस्कार। आप देखिए कि गोमुख से गंगा जी निकल रही हैं तो जल कितना शुद्ध है, बिल्कुल दूध की तरह निर्मल है, पौष्टिक है, फ़ायदेमंद है। और गंगोत्री में हालांकि शहर है, लेकिन आगे ऋषिकेश तक भी गंगा का पानी बिल्कुल निर्मल लगता है। और ये देखिए ये हरिद्वार में हर की पैड़ी के दृश्य हैं और इस समय बिल्कुल सूनी सूनी है, जहाँ हजारों लाखों तीर्थयात्री हुआ करते थे। और गंगा जल भी देखिए कितना निर्मल है उस समय। लेकिन वहीं अगर आप औद्योगिक शहर कानपुर पहुँच जाएँ तो वहाँ देखिए कि वहाँ नाले गिरते हैं और ये बैराज के पास देखिए गंगा जी की
सूरत कैसी है, ये देखिए नाव वाला है वो वैसी ही प्रदूषित गंगा जी में अपनी बोट चलाते हैं। और ये भी मैंने कुछ साल पहले वहाँ के बैराज का चित्र लिया था और ये एक नाविक का। तो हमें सावधान रहना है कि गंगा जी अब जितनी साफ़ हो गई हैं तो दोबारा गंदगी ना जाए। रामदत्त त्रिपाठी, मीडिया स्वराज, लखनऊ। जय जगन्नाथ।